भी पुलिस एक्ट रहता सब रहता, लेकिन अमलावरी कुछ और ही होती। आज जो बरसर तो डेढ़ साल तहरीक चलाए, आप नौजवान आदमी, आपको मशवरा दे रहा हूँ, मीटिंग में आप आए, कुछ मिल गया नहीं मिल गया, ये बातों से कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ मिलती नहीं है मीटिंग में, फिर उसके बावजूद भी ये जो वफ़ की जो तहरीक है या जितने जो लोग बैठे हुए हैं, ये आपके हमारे बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐवानों में असेंबली में बिल पास होना पड़ता, ऐवान में बिल कब पास होता, आपकी अगर मेजॉरिटी है तो। पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल वफ़ एक्ट है, उसके तहत अगर जो है, अगर आपको जो है कुछ मिलना है तो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होना पड़ता। तो ये मीटिंग तो क्या है, एक जो एक अवेयरनेस है, ये मीटिंग तो क्या है, एक शऊर बेदारी है, ये मीटिंग तो क्या है। यहाँ जितने जो हजरात बैठे हुए हैं, मैं खुद ही अपनी बीवी से कभी पूछता हूँ वफ के बारे में मालूम है क्या, तो मेरे घर में मेरी बीवी खुद ही बोलते क्या वफ क्या है। तो यहाँ पर जितने जो बैठे हुए हैं मुकर्ररीन ने, मैं मतीन साहब से ही कहूंगा, आप आपके घर में पूछिए वफ क्या चीज है, तो अगर जवाब दे दे तो मैं बेइंतहा मुतासिर हो जाऊंगा। तो रहा ये कि ये वफ क्या चीज है, पहली चीज 90% आवाम को मालूम ही नहीं है। आप दूर मत जाइए, आप आपके घर में मेजर साहब पूछिए आपकी बीवी वफ क्या चीज है जी, बोलते हैं आपके ऊपर जो है कब्जा हो गया। और अभी भी हमारे लोगों में शऊर नहीं है, ये शऊर बेदार करने के लिए हम हर महीना एक इजलास करते हैं। और रहा ये कि एक ही बात बोलूंगा, आपको यकीन है कामिल होना, हम देख रहे हैं कि पूरे स्टेट डिवाइड होने से पहले 75% से लेकर 80% जो है ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से हुई, यानी हमारा अपना जायजा, कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसे इजलास हम मुसलसिल करते आ रहे हैं, यानी उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, हमको बहरहाल कुछ इकदाम करना चाहिए। इकदाम के सिलसिले में भी अगर मेरी याददाश्त सही है, आप जिसकी तस्दीक उम्मीद है करेंगे, साबिक में भी इसका इजहार किया गया कि धरना के सिलसिले में एक बड़ा प्रोग्राम, रैली के सिलसिले में साबिक में भी ये सजेशंस आए थे। पता नहीं, कुछ वजूहात हो सकती हैं, उसका ऐलान नहीं हुआ। तो मैं सारे बातों का बशमूल जिनका जिक्र इसमें प्रेस नोट में आज के इसमें किया गया है तंजीम की जानिब से, मैं उनको एंडार्स करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल हैं, उन पर जो है हमको बात करनी है, आगे बढ़कर बात करनी है। इसी हाल में 3 या 4 दिन है आज, इसी हाल में इसी मौजू पर एक मुल्क के जो है बहुत ही फेमिलियर वकील महमूद पराचा साहब का इजलास हुआ था, जिसमें जी महमूद पराचा साहब, तो वो रुदात से तो सब वाकिफ़ हैं कि माशाल्लाह 2 दिन वो शहर में रहे और मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी वहाँ पर उन्होंने बजात ख़ुद उनके साथ, उन ग्रुप्स के साथ दौरा किया, अपनी आँखों से देखा, मालूमात हासिल की, उन्होंने एक फेरिस्त बना ली। तो जो इजलास में उन्होंने पढ़कर बताया, ये इतनी फेरिस्त तो मेरे पास है और आपके पास बहुत सारी फेरिस्तें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने उस इजलास में ऐलान किया इकदाम के सिलसिले में, तो अपनी तकरीर में सबको एड्रेस किया जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी वक्फ बोर्ड के अहदेदार, हुकूमत के ज़िम्मेदार, उन सबको उन्होंने एड्रेस किया। एक मानो में उसमें मैसेज दिया कि ये जो है अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें और अदा करने की कोशिश करें, वरना जो है हम तो अब इकदाम करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने एक बात, मुमकिन है तय हो गई थी होंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया, ये पहली राउंड टेबल मीटिंग नहीं है, हमारे कमीशन की वजह से मुसलसल जो है ना मीटिंग हो रही है, ताकि लोगों में शोर जागे कि असल तेलंगाना में और हिंदुस्तान में वफ के क्या मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करना है। मसाइल तो हल करना बहुत मुश्किल है, पर कोई हद तक रोकना और कुछ हद तक उसको अपने मकसद तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जो फरमान रवा है, आज जो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे जो है
जब इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि हम अगर जीतेंगे तो पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज का जो है ना हम बिल्कुल जो है ना प्रोटेक्शन करेंगे, तो हम सिर्फ खाली यही बात उनसे पूछना चाहते हैं कि कोई 20 साल नहीं हुए, 30 साल नहीं हुए आप भूल जाने के लिए, तो मुख्तसर से अरसे में, अब तो खैर बात लंबी हो गई, जब हुसैन चौधरी दरगाह का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तमाम लोगों को मालूम है कि हुकूमत का क्या रवैया था, और जो साहब जो हुकूमत ये वक्त के लिए डिफेंड करने के लिए तमाम पूरे तफ्तीश करते हुए अच्छा पेपर तैयार किए, तो उनको इनाम क्या मिला? फौरन ट्रांसफर कर दिया गया, आज तक पोस्टिंग नहीं दी गई। अगर उनके पेपर से रखे होते तो आज जो है ना दरगाह हुसैन शाह वली वक्फ के कब्जे में रहती। ये जो है खुल्ला खुल्ला कि आप जो है ना वादा इनकार करके उसके खिलाफ जाना, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। अब तक हम जो है ना बंद अल्फाजों में बोले, खुले अल्फाजों में बोलना पड़े, चूंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो लोगों को भी पता चलना चाहिए। कुछ लोग जो है मसलहतन उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, खाली अपनी कुर्सियों को या अपने इसको जायदादों को बचाने के लिए। हम देख रहे हैं कि पूरे स्टेट डिवाइड होने से पहले 75% से लेकर 80% जो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इन सब की तारीफें तो करना बहुत छोटी चीज है, मैं इमीडिएटली सब्जेक्ट पर आता हूं। मैं ये जितनी भी ये कोशिश और काविशें जो चल रही है यहाँ पर इस तंजीम के तहत, चाहे सिद्दीकी साहब हो, अजीज साहब हो, मुख्तार साहब हो, या हमारे मोहम्मद अली साहब हो, या उस्मान भाई हो, ये जितनी भी कोशिशें और काविशें चल रही है, मैं खवातीन दो मिनट थोड़ा इधर तवज्जो जाए प्लीज, ठीक है? तो जितनी भी ये कोशिशें और काविशें चल रही है ना, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं कि कल जब मुसीबत का वक्त उम्मत पर आएगा, कौम पर आएगा, यकीन जानिए कुछ नहीं कुछ नहीं, हमारी औलाद तो फखर से कहेगी कि हमारे बड़े इसके इजलास में ठहरे थे। मैं उसकी मुबारकबाद देता हूं आप सबको, और आने वाली नस्ल के लिए जो आज हम कर रहे हैं, आपकी औलाद भी इसी तरह से उस पर अमल हो। तो मैं आपसे कह रहा हूं, औलाद की पहली दर्जगाह उसकी मां का आंचल होती है। आप अपने तरफ से तरबियत दीजिए औलाद को कि मुसलमान के हुकूक क्या है। जिस तरह से उस्मान भाई ने कहा कि निकलकर खानखाओं से अदा कर रस्म शब्बीरी, ठीक है, यहां पर रस्म शब्बीरी अदा करने के लिए खुद को पहले फितनों से बचाना है, खुद को पहले फितनों से बचाना है। आप एमपी है, आप एमएलए है, आप क्या है, उससे मतलब नहीं है। जब तक नीयत में फितना है तमाम कोशिशें फितना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो तालीम तुमको इल्म से दूर करे वो इल्म फितना है, अमलाक भी, औलाद भी, जायदाद भी, सब फितना है। नाहक के लिए उठे जो शमशीर वो शमशीर भी फितना है। शमशीर तो क्या चीज है, नारे तकबीर भी फितना है। अब आप किस उसमें सो रहे हैं? आप लोग जागिए, आज नहीं तो कल। और मीडिया के जरिए मैं बिलखुसूस ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं उन लोग को जो घरों में सो रहे हैं और अपने आप को नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कह रहे, उन सबको कह रहा हूं मैं, और बिलखुसूस उन उलेमाए दीन को भी कह रहा हूं कि आलिम दीन, उलेमाए दीन अपने वक्त में घर से निकलकर सिर्फ घर में तक घरे घर फिर कर तबलीग करना नहीं है, कौम के लिए आगे बढ़ना है। उनके साथ क्या नाइंसाफियां हो रहे हैं, इन सब के लिए उनको लड़ना है। ये भी एक दीन के फराइज में से है, चाहे वो दर्द से कुरान होने दो, या मुफस्सिरीन होने दो, या मुहद्दिसीन होने दो, कोई भी होने दो। अगर मेरी बात अगर गलत लग रही है तो इंतहाई माजरत चाहता हूं। देखिए, औकाफी जायदाद में ऐसा हुआ, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ऐसा हुआ, हज कमेटी में ऐसा हुआ, ये सारी चीजें यहां पर काबिल तरीन लोग बैठे हैं, उन्होंने बयान कर दिया है। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है? एक दिन नहीं है, दो दिन नहीं है, आप लोग को भी तो जानना चाहिए ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है। ये मैं रास्ते में आते आते हमारे मेरे दोस्त हरदिल अजीज अहमद भाई से बोल रहा था, भाई आज फिर वही मीटिंग है, फिर वही बात करना है, इससे क्या हो रहा? कुछ भी नहीं भाई, ये इस वजह से है कि जो है ना लोगों को देखो जगाने का है, लोगों को उठाने का है। मतलब बस भाई बहुत बड़ी बात बोल दी आप, अभी भी अगर नहीं जागे,
अभी भी अगर नहीं जागे तो बहुत बेकार है। ये सब लोग जो निकल कर आए हैं, आप जेब से पैसा लगा रहे हैं। अजीज पाशा साहब के ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं, 100 जिम्मेदारियां हैं। उस्मान अल हाजरी साहब को 2 दिन से आप बता रहे थे कि जो है ना गुड्डी मलकापुर पे इस तरह से हो रहा था, वो अपने काम से मतलब रखकर चले जाते थे। वो रुके हैं, उनको पता है वहां पर जो है ना उनकी जान का भी खतरा है, उनके साथियों के ऊपर भी हमला हो सकता है। गालिबान इनके साथ आपके फर्जंद लोग होते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं किए वो, कोई किसी चीज की परवाह नहीं किए, रुक गए वहां पर। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और मेरे नजदीक इस प्रोग्राम में आकर अटेंड कर खिताब करने से बड़ी चीज उस्मान साहब ने, जो वहां पर रुककर उस प्रॉपर्टी की तहफ्फुज के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। ये आप लोग कब निकलेंगे? अमली पैरा होना अपनी जगह है, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे मैदान में होती है, तब आपको मुजाहिद मर्द मुजाहिद बोलेंगे। और किसी सियासी कायद को या किसी को आप तनखीद करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद अपने आप में पहले रोशन होइए, आप खुद अपने आप में पहले बेदार होइए। इन्हों गलत है, इन्हों ऐसा करे, उन्हों गलत है, उन्हों ऐसा करे, उन्हों गलत है, क्यों रो रहे हैं आप? आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। अल्लाह ने आपको जिस्मानी सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको जहनी सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको बात करने की तौफीक दी है, उसका क्या इस्तेमाल करोगे? सिर्फ हाथ दिए हैं तो उंगलियां उठाने के लिए, जबान दिए तो लोगों पर तानाशाही करने के लिए? भाई कौन नहीं कर रहा है छोड़ दो, तुम क्या कर सकते हो? अगर कौन नहीं कर रहा है बोलकर अगर ये लोग बैठे रहे तो घर में बैठ के ना फोनों पे बात कर लेते सीधे, देखो ना ऐसा करे ना ऐसा करे, निकल कर आए हैं। आज के दौर में मेरे नजदीक उस्मान भाई सबसे बड़ी चीज जो है वो है इस्लाह माशरा। इस्लाह माशरा से ही हर चीज की तब्दीली आ सकती है। इनकलाब सबसे बड़ी चीज होती है। रेवोल्यूशन लाइए अपने आप में, रेवोल्यूशन लाइए अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने औलाद, अपने बीवी बच्चे सबको कुर्बान करना है। समझ रहे हैं आप बात को? क्या जवाब दोगे? नमाज नहीं चाहिए, रोजा नहीं चाहिए। अल्लाह बोले कि तुमको पहले तू रोजा नहीं रखा, मैं तेरे को माफ कर दिया। तू नमाज नहीं पढ़ा, चल मैं तेरे को माफ कर दिया। तेरी उम्मत के लोग परेशान थे, तूने उसका क्या हक अदा किया? उसका जवाब दे, उसका जवाब दे। मैं ये नहीं, देखिए अरकान मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब को। और ऐसे वक्त हम मुत्तहिद होना, हमारा सबका मुत्तहिद होना, स्टेट के तमाम लोगों का जो सेक्युलर जहन रखते हैं, औकाफ के ताल्लुक से काम करते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम भाई भी काफी तादाद में मौजूद है, एससी एसटी बीसी, उन भाइयों को साथ लेकर हम अपने हकूक के लिए लड़ना है, हासिल करने के लिए। अभी 16 तारीख के दिन एक बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम है, उसमें तमाम सियासी जमातों के जो सेकुलर जहन रखते हैं, जो कम्युनल जो फीलिंग नहीं रखते, उन तमाम को साथ लेकर जनाब महमूद पराचा साहब, जनाब सैयद अजीज पाशा साहब के साथ, हम तमाम दीगर तमाम तंजीमों के साथ बहुत बड़ा धरना दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। अगर केसीआर को आप मैसेज देना है, केसीआर हमेशा झूठे दावा करता है, सबको मालूम है। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करें, 12% झूठे साबित हो गए। मुसलमानों को वक्त को जुडिशियल पावर देंगे बोले, झूठे साबित हुए। लैंको हिल्स में गरीब मुसलमानों को ले जाके बसा दूंगा बोले, घर जो गरीब मुसलमान है जिनके घर नहीं है उसमें भी झूठे साबित हुए। अभी 16,000 करोड़ मुसलमानों के लिए खर्च करे बोले, जबकि 16,000 करोड़ नहीं, इनके दौरे इख्तदार में सिर्फ 9,000 करोड़, उसमें करप्शन कितना हुआ? फिर ये तमाम चीजों का हिसाब लेना है, औकाफ को बचाना है, तो तमाम लोगों को मिलकर इलेक्शन से पहले, ये वक्त आ चुका है मुसलमानों को और हमारे दलित भाइयों को, एससी एसटी बीसी भाइयों को, तमाम को लेकर हम हमारे हकूक की हुसूलियाबी के लिए जद्दोजहद करना, ये वक्त का अहम तकाजा है। वरना जिस तरह से इलेक्शन से पहले हथेली में जन्नत दिखाते आए, अब उनको उनकी औकात दिखाना है, तो इलेक्शन से पहले हमको अल्लाह ने मौका दिया, तमाम लोगों को जिनके हकूक छीने गए हैं वो आए और मुत्तहिदा तौर पर अपने हकूक की हुसूलियाबी के लिए आगे बढ़े, अपना पैसा लगा कर आए, क्योंकि ये आपकी जायदाद है, वक्फ प्रॉपर्टीज, आप लाखों करोड़ के मालिक है, लेकिन आप बेघर है, आप बेरोजगार है, आपके बहनों के शादियों का, बच्चियों के शादियों का मसला है, तमाम चीजों को